स्वागत है आपका E2E क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे काव्य लक्षण के बारे में। जब भारतीय काव्य शास्त्र पढ़ते हैं तो सबसे पहला ही टॉपिक आता है काव्य लक्षण। यह लक्षण क्या है? लक्षण का तात्पर्य होता है सीधे सीधे उसकी परिभाषा से। अब ये सवाल उठता है कि काव्य की परिभाषा शब्द ही क्यों नहीं इस्तेमाल होता है? तो परिभाषा अमूमन बहुत घिसा पिटा हो चुका होता है, हर चीज़ की परिभाषा दी जाती है। तो भारतीय विद्वानों ने, खास करके संस्कृत के आचार्यों ने, जब इस टॉपिक पर विवेचना करना आरंभ किया, जब विश्लेषण करना आरंभ किया, तो उन्होंने काव्य लक्षण शब्द का ही प्रयोग किया था। अब लक्षण शब्द से आप ये मान सकते हैं कि आम बोलचाल की भाषा में कहा जाता है कि फलाने का लक्षण ठीक नहीं है। यहाँ इस वाक्य का सभी लोग अमूमन प्रयोग करते हैं। तो बोलचाल की भाषा में जब लक्षण शब्द का प्रयोग किया जाता है तो इसका तात्पर्य उसके उस व्यवहार से होता है या उस छवि से होता है जिसका परिचय समाज के बाकी लोग प्राप्त कर रहे होते हैं, अर्थात उसके गुण, उसके व्यवहार से। तो सबसे पहले काव्य लक्षण इस टॉपिक पर जब चर्चा शुरू हुई साहित्य के अंतर्गत, तो वह संस्कृत के आचार्यों द्वारा शुरू की गई। तो संस्कृत के आचार्यों का जो शब्द प्रयोग था वो काफ़ी निकट होता था सार्थक चीज़ों के, मतलब सटीक अर्थ के तरफ। तो जब वो काव्य का अध्ययन कर रहे थे तो उन्होंने बतलाया कि लक्षण क्या क्या है। उन्होंने परिभाषा प्रस्तुत करेंगे या उसको अलग अलग तरीके से डिफाइन करेंगे, इस तरह के शब्द का प्रयोग नहीं किया। अब भारतीय काव्य शास्त्र, यह जो पेपर है ये पूरी तरह से मैथमेटिकल पेपर है। यदि आप इसको बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ते हैं तो आपका 100% नंबर जो है वो सिक्योर होगा। 100% कहने का मतलब यहाँ पर यह नहीं है कि आपने 100 का 100 प्राप्त कर लेंगे आप। कहने का तात्पर्य यहाँ यह है कि जब आप साहित्य में, खास करके लिटरेचर में, जब आप आंसर लिखते हैं तो उसमें एक धारणा है कि फुल मार्किंग नहीं होता है, लेकिन काव्य शास्त्र में ये संभावना होती है मैथमेटिकल पेपर की तरह कहीं कहीं किन प्रश्नों में फुल मार्किंग प्राप्त होने की। तो इसमें जहाँ जहाँ ये सारी चीज़ें होंगी प्रश्न के साथ आपको मैं बताते चलूँगी, आप हमारे साथ इस पेपर पर जुड़े रहिए और अध्ययन करते रहिए। आज का हमारा जो यह मुद्दा है काव्य लक्षण, इसकी चर्चा शुरू करने से पहले एक बात और बता दूं कि आप हमारे एप्लीकेशन से सीधे जुड़िए और जुड़कर आप इसका संपूर्ण वीडियो और नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। तो बात कर रही थी काव्य लक्षण के बारे में। तो काव्य लक्षण एक तो मैथमेटिकल पेपर है, संस्कृत के आचार्यों ने काव्य का लक्षण निरूपित करते हुए इस तरह उन्होंने अध्ययन किया और उसी के आधार पर आज भी हिंदी में इस टॉपिक का अध्ययन किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको यहाँ पर कुछ बिंदु नजर आ रहे हैं, जब हम काव्य लक्षण का अध्ययन करेंगे तो हमारे अध्ययन का जो मूल बिंदु है वो स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है। काव्य का लक्षण अध्ययन के हमारे 3 आधार होंगे, एक संस्कृत आचार्यों के अनुसार, एक हिंदी काव्य चिंतकों के अनुसार और फिर पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार कि पाश्चात्य विद्वानों ने किस तरह से परिभाषा प्रस्तुत की है। लेकिन इसमें सबसे रोचक बात यह है कि जब आप इस अध्ययन की शुरुआत करेंगे तो अमूमन बहुत सारे आंसर फ्रेम करने का तरीका है। सबसे बेस्ट आंसर फ्रेमिंग की मैं बात करूं तो आप यदि इस तरह से डिजाइन करेंगे और संस्कृत आचार्यों के अनुसार जब बात करेंगे तो सबसे पहली चर्चा हमारी होगी शब्दार्थ के आधार पर। अब यह क्या है तो मैं आपको एक पूर्व भूमिका बताते चलूं कि बहुत सारे संस्कृत के विद्वानों ने काव्य के लक्षण को निश्चित करने का प्रयास किया है। तो कुछ विद्वान का ऐसा वर्ग है जो यह कहता है कि शब्द और अर्थ, अर्थात शब्दार्थ के आधार पर काव्य की परिभाषा दी जानी चाहिए, यानी काव्य का लक्षण प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ऐसे विद्वानों में कुंतक का नाम आ सकता है, मतलब आता है, कुंतक, वामन, भामह, ये सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने शब्दार्थ के आधार पर काव्य की परिभाषा दी है। इसी तरह से एक विद्वान का वर्ग है जो शब्द के आधार पर काव्य को परिभाषित करता है या काव्य का लक्षण निरूपित करता है। इसमें सबसे प्रमुख नाम आप डंडी का ले सकते हैं, और भी विद्वान हैं। और रस ध्वनि के आधार पर बात करें तो यहाँ पर भोजराज भी आते हैं।
एक विद्वान है जिन्होंने रस के आधार पर परिभाषा दी है। तो इस तरह से हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे तीन बिंदुओं पर, यानी इस प्रश्न का उत्तर कि काव्य लक्षण टॉपिक को यदि आप समझना चाहते हैं तो ये हमारे अध्ययन का केंद्र होगा। अब इस केंद्र के आधार पर आप एक अच्छा उत्तर तैयार कर सकते हैं और एक अच्छे फ्रेमिंग के साथ आप टॉपिक को समझ भी सकते हैं। अब इस प्रश्न का पूरा उत्तर और इस उत्तर का संपूर्ण वीडियो आपको एप्लीकेशन पे उपलब्ध होगा। एप्लीकेशन पे जाने के लिए आप QR कोड स्कैन कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन पर पहुंचने का लिंक भी दिया गया है। संपूर्ण पेपर से संबंधित जो भी प्रश्न बन रहे हैं उससे संबंधित वीडियो आपको एप्लीकेशन पर उपलब्ध होंगे, साथ ही PDF नोट्स भी उपलब्ध होंगे, और साथ ही आपको हर महीने के ज़रूरत के हिसाब से, आपकी मांग के हिसाब से हर महीने के सेकेंड और फोर्थ संडे को ऑफलाइन सपोर्ट भी उपलब्ध कराया जाएगा। आपको एड्रेस भी नज़र आ रहा है। तो बिना समय गवाए आप सीधे हमारे एप्लीकेशन पर जुड़िए और लाभ उठाइए अपने पूरे पेपर की एक अच्छी तैयारी करने के लिए, ताकि आपका एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा जाए। तो इसी के साथ आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ और सीधे सीधे आप हमारे एप्लीकेशन पर आइए और लाभ उठाइए। धन्यवाद।